अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। 2020 एक बहुत डिफ़िकल्ट साल रहा है और अब साल ख़त्म होने पर है और ये है हॉलीडे सीज़न। और इस टाइम पे मैं अपने बच्चों की स्कूल टीचर्स, कुछ कोवर्कर्स और नेबर्स के साथ ट्रीट ज़रूर शेयर करती हूँ। इस साल भी कुछ DIY और ऑन अ बजट मैंने ट्रीट बास्केट्स और ट्रीट पैकेजेस बनाए हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोग सारे बिहाइंड द सीन्स और शॉपिंग सब देख रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों को तो इस वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार भी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से मैंने ये ट्रीट्स तैयार की हैं और किस तरीके से इनको पैकेज किया है। जहाँ 2020 हम सबके लिए डिफ़िकल्ट था, टीचर्स सरे फहरिस्त हैं। जिस तरह उन्होंने बच्चों का ये जूम सिस्टम, न्यू लर्निंग सिस्टम के साथ काम किया है, वो अप्रिसिएशन के काबिल है। मैं बच्चों की टीचर के लिए DIY वॉफल किट तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक मेसन जार लिया है, उसके बाद बोल में मैं वॉफल की जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल के मिक्स कर रही हूँ और इनको अब मैं इस जार में भरूँगी। वॉफल की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालने के बाद इसके ऊपर चॉकलेट चिप डालने हैं। आप चाहें तो ये हॉलीडे चिप्स भी अवेलेबल हैं, ये डाल सकते हैं। मैंने रेगुलर चॉकलेट चिप का इस्तेमाल किया है। अच्छा, बाद में इन चॉकलेट चिप्स को मैंने इसमें से हटा दिया था और जार को कम्प्लीटली फिल ड्राई इंग्रेडिएंट्स से कर दिया था, क्योंकि चॉकलेट चिप मैंने साइड में सर्व किए हैं। फिर ये मैं ये सैलड ड्रेसिंग की स्क्वीजी बॉटल ले रही हूँ। ये एक पैकेट में 3 वॉलमार्ट में अवेलेबल होती हैं, ये आपको डॉलर ट्री में मिल जाएंगी। एक में रेगुलर ओरिजिनल सिरप और एक में चॉकलेट सिरप, इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको मैं किट का हिस्सा बनाऊंगी। फिर उसके बाद हमें बास्केट्स चाहिए। आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। मेरे पास ये वायर बास्केट्स ऑलरेडी रखी हुई थी जो कि मैंने डॉलर ट्री से ली थी। डॉलर ट्री में बास्केट्स की बहुत डिफरेंट और कलरफुल वैरायटी अवेलेबल होती है। बगैर ये गोल्डन बहुत फेस्टिव और क्यूट लगती हैं। मैं इनको घर में एज अ फ्रूट बास्केट भी इस्तेमाल करती हूँ। फिर मैं कर्ली रिबन ले रही हूँ, इससे मैं वॉफल मिक्स के जार को डेकोरेट कर रही हूँ। और जो हमारी स्क्वीजी बॉटल्स हैं उनको मैंने लेबल भी किया है ताकि पता रहे कि किस बॉटल में क्या चीज़ मौजूद है। फिर उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर बास्केट ली है और उसके अंदर मैं ये जो फेस्टिव सा टिश्यू पेपर है ये रख के इसकी बेस तैयार करी हूँ। फिर बात करते हैं वॉफल मेकर की। ये नॉस्टैल्जिया का मिनी वॉफल मेकर है जो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए आई थिंक 2-3 महीने पहले लिया था और ये बहुत ही मुझे पसंद आया, ये बहुत ही अच्छा है। तो यही मैंने टीचर के लिए लिया है। इसके साथ मैंने वॉफल की बॉटल को भी लेबल कर दिया है। छोटे पैकेज में इस तरीके से चॉकलेट चिप और कैरमल बिट्स डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मुझे ये नटेला का छोटा सा जार मिला जिस पे ऑलरेडी वॉफल लव नटेला लिखा था, तो ये परफेक्ट था इस बास्केट के लिए। एक नोट के ऊपर इसकी कंप्लीट रेसिपी लिखती है कि किस तरीके से इसको असेंबल करना होगा, ये भी मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। उसके साथ इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर अरेंज कर रही हूँ। उसके साथ थोड़े से फिलर्स डाले हैं और थोड़ी सी कैंडीज़ इसके अंदर रख रही हूँ ताकि इस बास्केट को थोड़ा सा और फेस्टिव बनाया जाए। अलमायरा ने अपनी टीचर के लिए नोट लिखा था, ये नोट भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इस तरह ये जो बास्केट है ये कंप्लीट है। अब इसको पैकेज करने के लिए मैंने ये बास्केट बैग लिए हैं जो एक पैकेट में 2 आते हैं। इसको इसके अंदर रखने के बाद अब मैं ये एक नया हैक मैंने सीखा है, सोचा आपके साथ ही शेयर करूँ। इसको पैक करने के बाद इस तरीके से हेयर ड्रायर से अगर आप कर देंगे तो ये श्रिंक रैप बन जाएगा। यानी जिस तरह आप बाज़ार से बास्केट्स ख़रीदते हैं वो कम्प्लीटली श्रिंक हुई हुई होती हैं, ये बिल्कुल उस तरीके से तैयार हो गई। फिर मैं इसको रिबन्स और बो लगा के डेकोरेट किया है। इस तरह ये DIY वॉफल किट तैयार है। वॉफल मेकर ही इसकी जान है और ये ऑन अ बजट मैंने वॉलमार्ट से ख़रीदा है। चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। ये है जी मक केक ट्रीट पैकेज। ये बेटी क्रॉकर के मक केक ट्रीट जो है ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर्स पे $3-4 के अवेलेबल हैं, पर ये मैंने डॉलर ट्री से लिए हैं। इट वॉज डेफिनेटली अ स्कोर। फिर मैं ये टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इसके अंदर मैं इसको मक ट्रीट्स को रैप कर दूंगी। टिश्यू पेपर ऑफकोर्स बजट में भी आता है और बहुत फेस्टिव और क्यूट भी लगता है। इस तरीके से रैप करने के बाद अब आप कोई भी मग ले लीजिए। मैंने 2 डिफरेंट डिज़ाइन के मग्स लिए हैं, कुछ डॉलर ट्रीज के से लिए ही लिए हैं और कुछ वॉलमार्ट से लिए हैं। इसके अंदर इस तरीके से टिश्यू पेपर से पहले इसको फिल कर लीजिए, फिर ऊपर से मैं इसको कैंडी से फिल कर रही हूँ। फिर मैंने क्लेयर जो सेलोफेन रैप होता है वो लिया है और उसके अंदर मैं इस तरीके से इसको रैप करके ऊपर से टाई कर दूंगी। फिर बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने अपने DIY वॉफल किट को श्रिंक किया था, उसी तरह ड्रायर की मदद से हम इसको श्रिंक करेंगे ताकि ये बिल्कुल बाजार वाले पैकेज की तरह तैयार हो जाए। उसके बाद आखिर में इसको बस रिबन से और बो लगा के डेकोरेट कर दूंगी।
अच्छा, अगर आप ये ना करना चाहें तो मैं आपके साथ एक और आइडिया भी शेयर करती जाऊँ। मग को इसी तरीके से पहले फिलर डालिए, फिर उसके बाद कैंडी से फिल कर दीजिए। अब जो रेगुलर मग ट्रीट का बॉक्स है उसको उसी तरह टिश्यू पेपर से रैप कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको कवर छोटे से पीस से कवर कर लीजिए ताकि जो कैंडीज हैं वो बाहर ना गिरें। फिर कोई भी पेपर बैग ले लीजिए और इस मग को और इस ट्रीट बॉक्स को उसके अंदर रख दीजिए। इस तरीके से आप जो पैकिंग की हैसल उससे बच जाएंगे, मगर लिटिल एफर्ट गोज अ लॉन्ग वे। उससे बहुत डिफरेंट और फेस्टिव लगेगा और नज़र आएगा कि आपने क्या मेहनत की है। कुछ और गिफ्ट्स भी ओवैस ने अपने ऑफिस के कोवर्कर्स के लिए थे, सोचा वो भी जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ। ये हमने ज़्यादातर सामान टारगेट डॉलर स्पॉट से ख़रीदा है। इस तरह वेकेशन के जो पैकेजेस हैं, ट्रैवलिंग किट हैं जो हमने लोगों के लिए ख़रीदी हैं, इसके साथ हम कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें इसके साथ लगाते जाएंगे। कुछ $3 की हैं, कुछ $5 की हैं। स्पेशली अगर आप लड़कों के लिए गिफ्ट तैयार करें हैं तो वो सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही क्यूट से डेस्क साइन है जो ऑफिस में लोग रख सकते हैं। इस तरीके से ये बटन्स हैं जो कि आजकल के हिसाब से हैं। ये गिफ्ट टैग्स भी मैंने टारगेट से ही ख़रीदे हैं। कुछ फेस्टिव सॉक्स हैं। इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को एक साथ असेंबल करने के बाद हम इसके साथ कुछ के साथ गिफ्ट कार्ड और कुछ के साथ होममेड ट्रीट लगाने का भी हमने फैसला किया है। मैं आप लोगों के साथ कुकी क्रम्बल बार्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने वो भी तैयार की है। उन बार्स को डिफरेंट साइजेस में कट करने के बाद मैंने इस तरीके से ये ट्रीट पैक्स ख़रीदे हैं और फिर उसके बाद इन बार्स को इन ट्रीट बैग्स में रैप कर लीजिए। ओवरऑल एडिबल गिफ्ट जो है वो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ इस साल, मगर जिन लोगों को हम जानते थे उनको ही ये हम दे रहे हैं। अच्छा, जो एक और पैकेज था वो मैंने ऑफिस के लिए तैयार किया था, सोचा जल्दी से वो भी आपको दिखा दूँ। ये तमाम चीज़ें इस तरह जैसे हमने बास्केट में अरेंज की थी वो कर सकते हैं, मगर क्योंकि इसकी बेस काफ़ी स्ट्रांग थी तो मैंने इसी को ही बेस बनाया है और बास्केट का इस्तेमाल नहीं किया है। टिश्यू पेपर को नीचे रख के हल्का सा फेस्टिव लुक दिया है, ऊपर से इसमें कैंडीज और ट्रीट्स शामिल की हैं और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ड्रायर की मदद से हमने श्रिंक रैप तैयार किया था वो तैयार किया है। ये एक बहुत अच्छा हैक है, इससे प्रोफेशनल बिल्कुल लुक आ जाता है और आपका जो गिफ्ट है उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2020 एक डिफ़िकल्ट ईयर है, अगर हमारी छोटी सी एफर्ट या थोड़ी सी कोशिश किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके तो क्यों नहीं ये कोशिश हम ज़रूर करके देखें। साल के इस टाइम पे मैं ये ट्रीट्स इस तरह ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि ये बता सकूँ कि हमारा मज़हब हमें यही सिखाता है कि हम तमाम दूसरे मज़ाहिब की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितना हम अपने मज़हब की करते हैं और तमाम लोगों को की खुशियों में शामिल ज़रूर हों। अगर आप भी इस तरह की ट्रीट्स बना रहे हैं या इसमें से कोई आइडिया आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ और DIY सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। होप अगला साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मेरी तरफ से नए साल की आप लोग को एडवांस मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ के लिए।